वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लहसुन की चटनी बनाने का आसान तरीका। बिना कोई झंझट के झटपट बनने वाली लहसुन की चटनी की रेसिपी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लहसुन। लहसुन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है, तो आप अगर लहसुन की चटनी खाओगे तो वो भी बहुत ही अच्छी है स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले हम लहसुन को छील देंगे इस तरह से। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और लहसुन की छीली हुई कलियां मिक्सी के जार में डालेंगे। अब इसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पीस गया है, अच्छे से इसकी पेस्ट बन गई है और लाल मिर्ची पाउडर की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, अब इसका हम छोक लगाएंगे। उसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन जब गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और 1/4 टेबल स्पून जीरा। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की पीसी हुई पेस्ट, जिसमें हमने सारे मसाले पहले से ही डाल के रखे हैं। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। चम्मच से इसे अच्छे से हिलाएंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे मीडियम आंच पे। 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम आंच पे कुक करने से इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी लहसुन की चटनी रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, लहसुन की ये चटनी बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी दिखाई है हमने। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि जो फ्यूचर की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।